कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की कवायद फिर से शुरू हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर के मुताबिक विवाद से जुड़े दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क कर मध्यस्थता करने को कहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इच्छा जताई, उसे पूरा करने का मिशन शुरू होने जा रहा है। योगी के राम मंदिर मिशन को पूरा करने का जिम्मा उठाया है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने। श्री श्री का कहना है कि राम मंदिर मुद्दे से जुड़े कई पक्षकारों ने उनसे संपर्क किया है और वो भी चाहते हैं कि इस मसले का कोर्ट के बाहर सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हो। फॉर बोथ द कम्युनिटीज टू कम टुगेदर, व्हाटएवर कोर्ट वर्डिक्ट कम्स, इट इज, इट हैज टू बी ऑनर्ड, इट विल बी ऑनर्ड, बट बिफोर दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर, शो देयर मैग्नानिमिटी एंड सेटल द डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट। बट वेल, this is my wish that this can happen like this, but I'm not doing this on behalf of any government or any organization or anybody. आज तक से बात करते हुए श्री श्री ने दावा किया कि जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई उनका नजरिया उन्हें सकारात्मक नजर आया, जिससे अयोध्या विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। Some people have come and met with me and that's all for now, and I feel there is a positive energy with everybody. People want to settle it. Yogi Adityanath ji is doing work and there are many other stakeholders. Let's keep our fingers crossed. And I would like the whole issue to amicably settle. And this is an opportunity for both community come together and show their magnanimity. And that's all I would say. And I wish quickly some solution would come through. Wish that it would come through that. उधर राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उम्मीद जताई है कि श्री श्री सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल ये खुलासा नहीं हो पाया है कि अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए श्री श्री से मिलने वाले कौन लोग थे, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि निर्मोही अखाड़ा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने श्री श्री से मध्यस्थता की गुजारिश की थी। हालांकि दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अयोध्या विवाद से जुड़े पक्षकारों ने भी कहा है कि उनसे फिलहाल कोई संपर्क नहीं किया गया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई है। इससे पहले श्री श्री की मध्यस्थता की ये सर्वोच्च अदालत की उस भावना के अनुकूल है जिसमें करीब 6 महीने पहले कोर्ट ने ये राय जाहिर की थी कि अयोध्या विवाद को मिल बैठ कर सुलझाया जाना चाहिए। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।